जनपद के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 45 से नवनिर्वाचित सभासद पति राजू आरती के सम्मान समारोह में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कादिर राणा, जहां पहुंचकर उन्होंने हाजी राजू आरती को चुनाव जीतने की शुभकामनाएं दी। साथ ही फरमान कुरैशी को राजनीति में सक्रिय रहने की हिदायत दी और उनके कार्य को सराहा। इस दौरान वार्ड 45 से नवनिर्वाचित सभासद राजू आरती ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारी जीत की खुशी में फरमान कुरैशी ने एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिससे राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक सहित दर्जनों लोकदल नेता शामिल हुए। आज हमारे वार्ड 45 के अंदर हमारी जीतने की खुशी में हमारे फरमान कुरैशी भाई ने ये स्वागत समारोह रखा है। इसमें हम अपने साथियों के साथ, अपने समर्थकों के साथ इनके यहाँ तशरीफ लेकर है, जिसमें हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक जी और युवा जिलाध्यक्ष प्रीत मलिक और सभी साथी हमारे साथ में आए हैं। विकास कादियान जी, समर्थ भाई और काफ़ी लोग हमारे साथ में आए पार्टी के भी। किस तरह से वोट देकर आपको जिताया, क्या उम्मीद, मतलब जो लोगों की उम्मीद आपसे है, किस तरह खराब करने की कोशिश करें? देखो, हमने चुनाव में वादे भी किए, वादे होते भी हैं। हम सन 88 से चुनाव में पहली बार हमारे वालिद साहब मरहूम हाजी सलीम साहब सभासद हुए थे, उसके मेरे भाई फई मारती साहब सभासद हुए, उसके बाद हमारी बहन सभासद हुई और अब वार्ड वासियों ने मेरी पत्नी को मौका दिया जीत के नगर पालिका में भेजने का काम किया जिता के। जिस तरह से राजू भाई आप बता रहे हैं 88 से राजनीति की आपकी पारी है, जब हम इस क्षेत्र में आए अंदर तो अंधेरे में पड़ी गलियां और गली पड़ी हुई थी, कहीं कोई लाइट का इंतजाम नहीं था, जबकि आप बता रहे हैं कि लगातार हमें चुनाव जीतते रही है। हाँ, क्या जो इस योजना से पहले जो नगर पालिका का कार्यकाल रहा वो अच्छा नहीं रहा। नगर पालिका से वार्ड वासियों के लिए, मेंबरों के लिए जो सामान चाहिए, जो कर्मचारी चाहिए, वो नहीं मिल पाए हमें। इस वजह से हमारे मेंबर साहब ने बहुत कोशिशें करी, जो हमसे पहले मेंबर थे, कि उससे पहले मेंबर हम नहीं थे, अमित हमारी बहन थी, हमने बहुत कोशिशें करी हैं, लेकिन वार्ड के हिसाब से वार्ड बहुत बड़ा है, कर्मचारी केवल यहाँ 10 हैं, हमें कम से कम यहाँ 20 कर्मचारी चाहिए और जितनी हमें लाइटें मिलती हैं और रोडों की हालत भी ख़राब है। इसलिए हम अपनी जाके शपथ लेने के बाद में चेयरमैन साहिब के सामने अपनी बात रखेंगे और अपना पूरा पुरजोर काम कराना कार्य करेंगे वार्डवासियों के लिए। ठीक,